चलिए सर, क्लास को स्टार्ट करते हैं। जी बिल्कुल जी, कल किसी का कोई सवाल अगर हो तो आप कर सकते हैं कल की क्लास का, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा मेरे पास तो कुछ है सवाल, लोगों लोग पहले करें। सर कल आपने एक बात कही थी ऑरा स्कैनर क्लास शुरू होने के पहले कि जो हम लोग ऑरा स्कैनर पकड़ेंगे वो 90 उसपे पकड़ेंगे, लेकिन फिर बाद में ऐसा लगा कि शायद 85 डिग्री पे ही हम लोग पकड़ रहे थे उसको। नहीं सर 85 ही बोले थे सर, 85 पे ही पकड़ना होता है आपको, 90 डिग्री पे तो इसकी अपनी एक मोमेंट आ जाएगी। अच्छा वो मोमेंट हमारे को नहीं चाहिए, मतलब हम लोग दोनों हाथ सीधे करके थोड़ा लो रखेंगे ना सर उसको। आगे की तरफ से लो रखेंगे आप। तो ये पोजीशन देखिए आपको मैं दोबारा बताता हूँ, ये देखिए ये 90 डिग्री है जी सर। अब ये 91 डिग्री पे ये अपने आप घूमेगा, और यहाँ इसको मैंने 85 डिग्री पे करा हल्का सा, तो ये अब नहीं घूमेगा। तो जो इसको एनर्जी मिलेगी 85 डिग्री पे, जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मिलेगी वो, ये भाई साहब एक काम करिए आप अपने आप को म्यूट कर लीजिए, 2029 भाई साहब म्यूट कर लीजिए अपने आप को, पीछे से आवाज आ रही है आपकी, बहुत बहुत डिस्टरबेंस होता है सर। आप अपने आप को पिन कर लीजिए, क्योंकि जैसे ही कोई क्वेश्चन करता है आप हट जाते हैं स्क्रीन से, तो फिर दिखाई नहीं देता आप क्या कह रहे हैं। कर देता हूँ, कर देता हूँ। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है जी, अब जी जी एकदम परफेक्ट। हेलो सर। हाँ जी सर, मैं बोल रहा हूँ वास्तु को जो मिट्टी के साथ हार है ना बोन, वो चेक करने के लिए कोई सैंपल है आपके पास? क्या चीज चेक करना है सर, मिट्टी के अंदर? क्या मिट्टी के अंदर हार बोन बोन? हाँ सर, उसके लिए हमारा जो नेगेटिव एनर्जी वाला वो है, क्या कहते हैं सैंपल, उसको आप यूज कर सकते हैं। नेगेटिव एनर्जी से पता चल जाएगा उस जगह पे क्या चीज है। अलग कोई सैंपल नहीं है? नहीं नहीं दादा, नेगेटिव से काम हो जाएगा आपका, उसकी जरूरत नहीं है एक्स्ट्रा सैंपल बनाने की। मैं आपका कुछ नहीं ऑर्डर किया, मैं मशीन रुपया भेज दिया, वो कुरियर हो गया, कल भी आ गया इधर, बुला सकता है आपको सबको लिए। जी ठीक ठीक है ठीक। तो सर इसके बाद हम बात करते हैं अपना सेवन चक्रास के लिए। ये मशीन जो है आपको सेवन चक्रास के बारे में भी इंफॉर्मेशन देती है कि पर्टिकुलर पर्सन का कौन सा चक्रा कितना परसेंट एक्टिव है और कितना परसेंट वीक है। यहाँ पर देखिए, अब हम जो मशीन से आंसर जानना चाह रहे हैं वो एक तरीके से हमारे शरीर के अंदर जो कमी है उसको जानना चाह रहे हैं। तो ये जितना खुलेगा उतना हमारे लिए प्रॉब्लम है। अगर ये 10% खुलता है तो 10% हमारा वो चक्रा खराब है, अगर ये 50% खुलता है तो 50% हमारा चक्रा खराब है। तो जितना खुलेगा उतना परसेंट हमारे लिए ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो अगर देखिए, आज मैंने जो आपको कुछ मटेरियल दिया था उसमें हमने एक जो चक्रास है, चक्रास के साथ से साथ साथ रिलेटेड जो बीमारियां हैं उनके बारे में भी इंफॉर्मेशन दी थी, तो वो आपके लिए काफी जानकारी हमने इधर उधर से इकट्ठी करी है, बहुत मेहनत लगी है हमारी। तो उसको आप पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मूलाधार चक्रा से कौन कौन सी बीमारी होती है, सैक्रल चक्रा से कौन कौन सी बीमारी होती है, और आपका मणिपुरा चक्रा से कौन कौन सी बीमारी होती है, हार्ट चक्रा से कौन सी बीमारी होती है, थ्रॉट चक्रा से कौन सी बीमारी होती है, थर्ड आई से कौन सी बीमारी होती है, क्राउन चक्रा से कौन सी बीमारी होती है, इन सब की जो आगे की डिजीज है उनके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन दी गई है। जो हमारे चक्रास है ये 7 होते हैं, जो मूलाधार चक्रा है वो हमारा बेस चक्रा है। बेस चक्रा अगर किसी का खराब है तो उसको बैठने की प्रॉब्लम होगी, उसको लूज मोशन, उसको कब्जी की प्रॉब्लम होगी। सैक्रल चक्रा किसी का खराब है तो सैक्रल चक्रा से जो हमारा पेट का आगे का हिस्सा होता है जिसमें हमारा इंटेस्टाइन आ जाता है, अगर इंटेस्टाइन की प्रॉब्लम है, हर्निया की प्रॉब्लम है तो सैक्रल चक्रा से देखी जाती है। फीमेल में जो प्रॉब्लम मंथली आती है वो भी सैक्रल चक्रा से ही देखी जाती है। उसके बाद जो हमारा मणिपुरा चक्रा है, मणिपुरा चक्रा में हमारे 3 पार्ट जो है वो मेन होते हैं, लीवर किडनी और पेनक्रियास। लीवर किडनी और पेनक्रियास
को आप चेक कर सकते हैं मणिपुरा चक्रा के द्वारा। और अगर आप इन तीनों को अलग से भी चेक करना चाहें तो हमने लगभग आपको 23 बीमारियों के सैंपल दिए हैं जिनको आप देख सकते हैं कि लीवर में प्रॉब्लम है या पेनक्रियाज में प्रॉब्लम है या किडनी में प्रॉब्लम है। अगर मूलाधार चक्रा किसी का खराब आ रहा है तो तीनों को भी आप अलग अलग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसी तरीके से हार्ट चक्रा, किसी के लंग्स में प्रॉब्लम है या किसी का बीपी हाई है या बीपी लो है या हार्ट की प्रॉब्लम है तो वो हार्ट चक्रा के थ्रू हम देख सकते हैं। थ्रॉट चक्रा जो होता है वो हमारा जो जबड़ा है, जबड़े से नीचे का हिस्सा आता है, पूरा गला आता है और ये दोनों हाथ, आपने सुना होगा कि किसी किसी को दोनों हाथों में से किसी एक हाथ में दर्द कभी लेफ्ट वाले में होता है कभी राइट वाले में होता है, तो वो थ्रॉट चक्रा के खराब होने से भी होता है। थायराइड भी हमारा थ्रॉट चक्रा से खराब देखा जाता है। थर्ड आई चक्रा जो है हमारा यहाँ पर होता है, जो हमारा सुनने की शक्ति, हमारी देखने की शक्ति और हमारी सूंघने की शक्ति, इन तीनों को रिप्रेजेंट करता है। क्राउन चक्रा जो है हमारा सिर के ऊपर की तरफ होता है। यहाँ पर अगर किसी के ऊपर बंधन दोष है तो क्राउन चक्रा भी उसका डिस्टर्ब होगा। म्यूट कर लीजिए सर, अनम्यूट है। तो इस तरीके से आप चक्रास को भी चेक कर सकते हैं। और चक्रा अगर किसी का डिस्टर्ब है तो उसके लिए रेमेडी भी है हमारे पास। चक्रास के लिए हमारे पास ऑयल आते हैं, उस ऑयल को आपने यूज कैसे करना है, जैसे ये एक आप मान के चलिए ये हमारा थ्रॉट चक्रा है और ये थ्रॉट चक्रा को आपने यूज करने के लिए आप दूसरे हाथ में इस तरीके से लगाएंगे तो आप देखेंगे थोड़ा सा ऑयल मेरे हाथ में आ गया है, ये आप चमक देख रहे होंगे इसकी। और इसको जो ऑयल आया उसको आपको यहाँ पर जहाँ पर हमारी दाढ़ी आती है थोड़ी यहाँ पर लगाना होता है और हल्की सी आपने ब्रीदिंग लेनी है तो ये ब्रीदिंग सिस्टम से चक्रा की जगह पर जाएगा और वहां उस चक्रा को एक्टिव कर देगा। तो साथ के साथ चक्रा के अलग अलग ऑयल हमारे पास आपको अवेलेबल हो सकते हैं। और किसी के दो चक्रा खराब हैं तो आपको मैं सजेशन ये दूंगा कि आपने सामने वाले को दो चक्रा, अगर हम नाम से लेकर के बात करें तो मणिपुरा चक्रा भी खराब है और उसका थ्रॉट चक्रा भी खराब है, दोनों चक्रा उसके खराब है, तो एक दिन उसको मणिपुरा चक्रा यूज करना है, उसके अगले दिन उसको थ्रॉट चक्रा यूज करना है। ऐसा नहीं कि सुबह आपने मणिपुरा चक्रा दे दिया उसको, शाम को आप उसको थ्रॉट चक्रा दे रहे हैं, तो एक दिन में एक चक्रा को ही यूज करना है, एक दिन में दो चक्रा को आपने यूज नहीं करना है। अगर किसी के तीन चक्रा खराब है तो इसी तरीके से तीसरे दिन उसको तीसरा चक्रा का ऑयल यूज करना है और चौथे दिन जो है वो पहला चक्रा जो उसने यूज करा होगा, चक्रा का ऑयल यूज करा होगा, उसको यूज करना है। अदरवाइज तो हम सात के सात चक्रा की एक बॉटल बना देते और बॉटल बना करके एक ही बॉटल से काम हो जाता, लेकिन वो हमने करके देखा है उसमें हमारे को सक्सेस नहीं मिली है। सक्सेस जो रेशियो था वो हमारा सिर्फ 10% था और अलग अलग चक्रास में हमारा जो सक्सेस रेशियो है वो 100% है। क्लियर है सर, किस तरीके से आपको ऑयल को यूज करना है, किस तरीके से आप बीमारियों को यूज कर सकते हैं, किस तरीके से सेवन चक्रास को आप यूज कर सकते हैं। सर जैसे आपने उसका बताया बीमारियों का, तो जब हम किसी बीमारी का लगाते हैं तो वो खुलना नहीं चाहिए, मतलब खुलेगा तो वो बीमारी को इंडिकेट कर रहा है। जी मैडम, जितना परसेंट खुलेगा उतना परसेंट वो प्रॉब्लम दे रहा है। मतलब प्रॉब्लम दे रहा है, इसमें उल्टा हो गया, मतलब अगर खुलेगा तो इट मींस प्रॉब्लम देगा। हाँ, उतनी परसेंट प्रॉब्लम है हमारे को। ओके, अब आप में से कोई भी किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो ये वो मेरे को आप अपना नाम मत, प्रॉब्लम का नाम मत बताइए। और एक मिनट, आप प्रॉब्लम का नाम मत बताइए, आप मेरे को ये बता दीजिए कि वो चक्रा आपका टेस्ट हो जाएगा। जैसे किसी को अगर डायबिटीज की प्रॉब्लम है, लीवर की प्रॉब्लम है या किडनी की प्रॉब्लम है तो मणिपुरा चक्रा को हम चेक कर सकते हैं। तो मणिपुरा चक्रा में परसेंटेज में आपको पता चल जाएगा कि कितने सामने वाले को कितना परसेंट दिक्कत है। जितना परसेंट ये मशीन खुलेगी उतना परसेंट उसको प्रॉब्लम है। कोई कराना चाहेगा जी, अपने आप बारे में बताना कुछ चाहेगा? सर मेरा दिल ना सर मणिपुर चक्र कबीर बोल रहा हूँ। राजेश जी कबीर, कबीर हाँ जी, आपकी फोटो निकालू सर, पहले फोटो निकालू मैं।
ठीक है सर, सब फोटो फॉर्म निकले, कल फोटो दिया आपको पास, फोटो कल भी ज्वाइन कराया कि मीटिंग में, और आपके पास फोटो है मेरा और येलो कलर से साथ है, देखिए कबीर दादा निकाल लो एक मिनट रुकिए तो सही सर, फोटो है आपके पास कल नहीं वो नाम सर कबीर आप क्या प्रॉब्लम है देखिए ना मणिपुर चक्र से देखिए ना मणिपुरा चक्र देखते हैं आपका कोई बात नहीं मणिपुरा चक्र में आप ये देखेंगे सैंपल में मणिपुरा चक्र लगा रहा हूँ सर ये करंट सिचुएशन बताएगा मतलब करंट हाँ, में बिल्कुल आपको करंट सिचुएशन बताएगा और कुछ इसकी मोमेंट भी होती है खुलने और बंद होने की अगर ये धीरे धीरे खुल रहा है तो इसका मतलब आपको प्रॉब्लम पुरानी है अगर ये स्कैनर की जो पोजिशन है वो धीरे धीरे खुल रही है तो आपको काफी लंबी बीमारी है वो और अगर थोड़ा सा आराम से खुल जाता है तो इसका मतलब वो प्रॉब्लम आपको बिल्कुल नहीं है और ये इन फ्यूचर जो आने वाली प्रॉब्लम है उसको भी इंडिकेट कर देगा हल्का सा खुलेगा फिर बंद हो जाएगा अब ये देखिए मैंने लाइट को ऑन करा और पकड़ने का मेरा सिस्टम वही है 90 डिग्री से हल्का सा नीचे अब जो प्रॉब्लम अगर भाई साहब को होगी तो ये हमारा स्कैनर खुल जाएगा अब यहाँ देखिए 10 से 15% के बीच का रिजल्ट आ रहा है 12% करीब का रिजल्ट आ रहा है तो इनको या तो डायबिटीज हो सकती है इनके लीवर में प्रॉब्लम हो सकती है या किडनी में प्रॉब्लम हो सकती है सर किस लिए कोविड सर आपने कहा कि खुल के बंद होने का मींस प्रॉब्लम आने वाली है जी इन फ्यूचर और प्रेजेंट में कोई प्रॉब्लम होगी तो ये कांस्टेंट खड़ा हो जाएगा जैसे अभी आप देख रहे हैं राजीव जी की मैं दोबारा से स्कैनिंग कर रहा हूँ मणिपुरा चक्रा की ये दोबारा आपको दिखाने की कोशिश करूंगा जो रिजल्ट पहले आया था वही रिजल्ट आएगा ये 12 से 15% करीब का रिजल्ट है तो राजेश जी अपना अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को सर कोविड देख लिया ना कोविड अरे सर आप जरा थोड़ा शांति तो रखिए जब दूसरे से बात हो रही है तो आप प्लीज थोड़ा सा तो वेट करिए ना ठीक है सर राजेश जी बोलिए अब म्यूट अनम्यूट करिए सर अपने आप को सर अनम्यूट नहीं हुए आपकी आवाज नहीं आ रही है सॉरी सर वो हाँ जी बोलिए क्या सर मैं पूछ रहा हूँ आपको लीवर किडनी या पेनक्रियास की कोई प्रॉब्लम है आपको डायबिटीज है नहीं डायबिटीज तो नहीं है लेकिन पाचन क्रिया में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आती है जब भी मैं आपको बोला थोड़ा सा चेक करने की तो सर लीवर की प्रॉब्लम है आपको हाँ, किडनी की प्रॉब्लम पाचन क्रिया से नहीं देखी जाएगी लीवर की जो प्रॉब्लम है पाचन क्रिया की जो प्रॉब्लम है वो लीवर से देखी जाएगी अच्छा अच्छा जी तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं किसी को भी स्कैन कर सकते हैं सेवन चक्रास को आप इस तरीके से डिटेक्ट कर सकते हैं और प्लस आपका जो 23 बीमारियां हैं हमारे पास उनको आप चेक कर सकते हैं इसके बाद हम बात करते हैं प्लेनेट्स की ग्रहों की बात करते हैं ग्रहों के हेलो हाँ जी हाँ जी मैंने लेट में ज्वाइन किया लेकिन एक बार ये जो कैसे यूनिट सर गोपाल जी आप गोपाल जी बोलिए क्या कह रहे हैं आप गोपाल जी देखिए चक्रास को अगर आप चेक कर रहे हैं तो चक्रास एक हमारे शरीर में प्रॉब्लम है अगर वो वीक है तो इसका मतलब हमारे को उससे रिलेटेड कोई ना कोई बीमारी है उसका एक पीडीएफ फाइल मैंने आपको दिया है उस पीडीएफ फाइल को आप देख सकते हैं और जैसे मणिपुरा चक्र हमने चेक करा भाई साहब का राजेश जी का तो जितना परसेंट ये खुलेगा उतना परसेंट वो चीज की प्रॉब्लम है मणिपुरा चक्र उनका उतना परसेंट डाउन होगा तो जैसे यहाँ पर 12 से 15% निकल कर आया था तो इसका मतलब ये है कि 12 से 15% इनका मणिपुरा चक्र खराब है और मणिपुरा चक्र से हम तीन चीजों को देखते हैं लीवर को किडनी को और पेनक्रियास को तो लीवर में प्रॉब्लम हो सकती है किडनी में प्रॉब्लम हो सकती है या पेनक्रियास में प्रॉब्लम हो सकती है
हेलो सर। अरे ऐसे ऐसे ही अनाहत और स्वादिष्टा ने ऐसे षट चक्र की है सर, किसी भी चक्र को आप चेक कर सकते हैं इसी तरीके से। हेलो ठीक है। हेलो सर। हेलो हाँ जी अनुपम जी बोलिए। सर बोल रहा हूँ, मेरा एक बार चेक करिए ना सर। देखिए मैं पर्सनल आपकी चेकिंग किसी की भी नहीं करूंगा। एक फोटो मैंने उठा ली आपको, एक का एग्जांपल कर दिखा दिया आपको। अगर पर्सनल स्कैनिंग करानी है तो उसकी फीस हमारी अलग है। अभी मैं जो आपको बैठा हूँ यहाँ पर, आपको सबको सिखाने के लिए बैठा हूँ। अगर मैं हर एक का चेक करने बैठ गया तो सर हमारा तो क्लास खत्म होगा ही नहीं और सभी की चेकिंग चलती रहेगी। तो इसके लिए मैं हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ कि मैं ऐसे पर्सनल किसी का नहीं चेक करूंगा। एक जने का आपको चेक करके दिखाया एज ए डेमो सर। इसके बाद हम बात करते हैं। दिनेश जी कुछ कह रहे हैं? सर एक छोटा सा रिक्वेस्ट है आपसे। जी सर। सर कैसा है, जैसे जो आपने कोर्स शेड्यूल डिजाइन किया हुआ है प्लीज उसी के अकॉर्डिंग जाइए। हर कोई अगर अपना कहते रहेगा तो सर कोर्स क्या होगा? सर मैं वही तो आपको कह रहा हूँ कि मैं उसी हिसाब से चल रहा हूँ। सर ये तो खुद लोगों को समझना चाहिए कि हम लोग दो घंटे में जितना मैक्सिमम हो सके आपसे ले लें। बिल्कुल मैं भी तो सर यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे कि मैं हर एक की चेकिंग नहीं कर पाऊंगा इस तरीके से। वैसे सर पूरा महीना भर लग जाएगा, आप किसी का चेक नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल सर बिल्कुल। अब देखिए इसके बाद हम बात करते हैं जो हमारे बीमारियां हैं, बीमारियों के बाद हमारे प्लेनेट की, हमारे स्टोन की और हमारे कलर्स की। सूर्य का जो रत्न है वो माणिक है, चंद्रमा का जो रत्न है वो मोती है। इस तरीके से 9 के 9 हमारे जो प्लेनेट हैं उनका हर कोई एक स्टोन है। आपके पास कोई कस्टमर आया है और कस्टमर के पास कुंडली नहीं है या कस्टमर के पास इंफॉर्मेशन नहीं है कि वो कुंडली सही भी है या नहीं, तो जैसे मैंने आपको कल शुरू में बताया था कि अगर आप देख रहे हैं कि सूर्य जो है उसका पहले घर में है और एक्चुअल में सूर्य उसका पहुंच गया 12वें घर में, तो 6, 8, 12 जो हमारे खड्डे होते हैं अगर उसमें सूर्य आ गया और हम सूर्य की रोशनी को बढ़ा रहे हैं, सूर्य की रश्मियों को बढ़ा रहे हैं, तो हमारे लिए बेकार है। इस स्कैनर से आप 5 मिनट के अंदर सामने वाले को बता सकते हो कि कौन सा स्टोन पहन के उसको फायदा होगा, कौन सा स्टोन पहन के उसको फायदा नहीं होगा। इसका एक फार्मूला है, फार्मूला ये है कि 40% से अगर कोई सपोर्ट करता है ज्यादा प्लेनेट, मान के चलिए कि बृहस्पति को आपने चेक करा, बृहस्पति जो है वो 40% से ज्यादा सपोर्ट कर रहा है, 40 से 42, 45 या 50 के आसपास सपोर्ट कर रहा है और वो व्यक्ति किसी एजुकेशन लाइन में जाना चाह रहा है। यहाँ पर इस चीज का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि वो व्यक्ति अगर बृहस्पति की उसकी जरूरत है, बृहस्पति की रोशनी बढ़ाने की जरूरत है उसको और वो पढ़ाई में आगे जाना चाह रहा है, तब आपने उसको पुखराज पहनने के लिए कहना है। और 40% से नीचे अगर आ रहा है तो आपने उसको स्टोन पहनने के लिए नहीं बोलना है, आपने उसको उस प्लेनेट की सेवा करने के लिए बोलना है, उस प्लेनेट का दान करने के लिए बोलना है। आप में से कोई ऐसा सज्जन जिनको अपने बारे में पूरी कुंडली का ज्ञान कि कौन से भाव में बैठा है, कौन सा प्लेनेट बैठा है और कृष्णमूर्ति पद्धति के हिसाब से कहां पर बैठा है, अगर किसी को पता हो तब मैं। हाँ मैडम बताइए। मैडम ने हाथ उठाया, शिल्पी मैडम ने। एक मिनट मैं पहले फोटो निकाल लूं आपकी। सर 40% खुलना मतलब? हाँ जी okay. अभी डेमो में आपकी चीज क्लियर हो जाएगी, 2 मिनट सर। मैडम आप मेरे को ये मत बताइएगा कि कौन सा प्लेनेट आपका कहां पर बैठा है, आप मेरे को सिर्फ ये बताइए कि आपका ये प्लेनेट चेक करना है। अनम्यूट कर लीजिए अपने आपको। सर आप मेरा शनि चेक कीजिए, शनि। अब मैडम की कुंडली में शनि जो है इनके लिए फ्रूटफुल है या नहीं, या मैडम की जो कुंडली है वो जो इनके हाथ में है वो सही है भी या नहीं, तो वो हमारे को सैटर्न की जो पोजीशन मैडम ने बोला चेक करने के लिए, हम सैटर्न की चेक कर रहे हैं। अब यहाँ पर सैटर्न जितना खुलेगा फिर मैं उसके आगे की प्रक्रिया आपको बताता हूँ कैसे होगा। अब सैटर्न जो है 50% सपोर्ट कर रहा है मैडम को,
अब नीलम पहन के मैडम के साथ क्या होगा? देखिए नीलम जो होता है वो ऐसा एक स्टोन है जिसके लिए हम कहते हैं कि आपको पहले गद्दे के नीचे, तकिए के नीचे रखना है अपने, उसके बाद आपको दो दिन उसको बाजू में पहन के रखना है, बाजू में बांध के रखना है, और अगर आपको सपोर्ट कर रहा होगा तब आपने उसको धारण करना है, उसकी अंगूठी बनाकर पहनना है। यहाँ पर मैडम की ऑरा से हम सैटर्न को चेक करके एक सेकंड, मतलब 5 सेकंड के अंदर बता देंगे कि सैटर्न का जो नीलम है वो इनको पहन के फायदा होगा या नुकसान होगा। अब जैसे सैटर्न की जो पोजीशन निकल गया है 50% निकल कर आई है। अब मैडम मेरे से काफी दूर बैठी है, कहाँ से बोल रहे मैडम आप? सर दिल्ली। मैडम दिल्ली में बैठी है तो 200 किलोमीटर दूर मेरे से बैठी है, लेकिन यहां से ही टेस्टिंग हो जाएगी। देखिए नीलम का जो हमारा सैंपल है, मैंने प्लेनेट लगाया है सैटर्न, प्लेनेट की पावर आई है 50%। अब मैडम को अगर हम नीलम पहनने के लिए देंगे, या किसी भी कस्टमर जो हमारा कस्टमर आया उसको हम नीलम पहनने के लिए देंगे, तो उसको कैसे आपने चेक करना है? मैंने जो मैडम की फोटो है उसके साथ में नीलम को, नीलम का जो हमारे सैंपल है उसको एंगेज कर दिया। अगर आपके पास नीलम है तो आप नीलम रख सकते हैं, लेकिन मेरे पास अभी नीलम अवेलेबल नहीं है, तो मैंने इनकी फोटो के साथ, मैडम की फोटो के साथ जो हमारा सैंपल है उसको अटैच कर दिया है। इसी तरीके से आप अपने कस्टमर को पकड़ा सकते हैं कि आप इसको पकड़ो तो आपकी पावर का पता चलेगा, प्लस हो रही है या माइनस हो रही है। अब यहाँ पर मैडम की फोटो के साथ हमने नीलम को अटैच कर दिया है। अब 50% से ऊपर अगर चला गया तो इसका मतलब जो सैटर्न है इनका मैडम को सपोर्ट कर रहा है और नीलम पहन के इनको फायदा है, और अगर 50% से नीचे आया तो इसका मतलब ये है कि नीलम इनको सपोर्ट नहीं कर रहा है। अब नीलम की पोजीशन मैडम को पता है, वो पहले रिजल्ट आ जाए हमारे पास, उसके बाद हम उस बारे में बात करेंगे। अब यहां देखिए 70% तक का रिजल्ट आ गया, इसका मतलब ये है कि जो भी जाटक आपके पास आया आप उसको कह सकते हो भैया नीलम पहन ले। अब मैडम बताइए आपकी पोजीशन क्या है नीलम इसकी, शनि की? सर शनि मेरे चौथे भाव में है, और मेरा शनि की फिलहाल महादशा भी चल रही है और साढ़े साती भी चल रही है, और मतलब शनि जब से आया है अच्छा ही है। अच्छा ही है, तो आपको नीलम पहन के फायदा ही होगा, और यही हमारा स्कैनर बता रहा है। जी जी। इसके अलावा और कोई प्लेनेट आपका जिसका, या किसी और सज्जन को अपने प्लेनेट के बारे में पूरा बताओ जी। सर, सर, चंद्र, हम चंद्र कर सकते हैं सर। हेलो सर, सर अनुपम जी बोल रहा हूँ। हाँ जी बोलिए। सर मंगल का चेक करिए ना। आपको सर प्लेनेट पोजीशन पता है ना अपनी पूरी? हाँ पता है। ये अनुपम जी की फोटो है। सर अब हम क्या चेक करेंगे? मार्स। तो हमने मार्स का सैंपल लगाया, हमारे को कुंडली के बारे में नहीं पता कि इनकी कुंडली में क्या पोजीशन है। अगर 40% से ऊपर आ गया तो हमने उसकी पावर को बढ़ाना है, और अगर 40% से नीचे रहा तो हमने उनको बोलना है कि आपने उसका दान करना है। ओके सर। यहाँ पर भी देखिए 50% का रिजल्ट है, 40% से प्लस में है। तो मार्स के लिए हमने जो मूंगा, हमारा पास मार्स का जो स्टोन है मूंगा, उसका सैंपल हमने इनकी फोटो के साथ एंगेज कर दिया। अब यहाँ 90% तक का सपोर्ट आ गया, इसका मतलब ये है कि अगर ये मूंगा पहनेंगे तो इनको मूंगा से जो चीज मिलनी है वो होता है सबसे पहले भूमि, मकान, वो इनका बनेगा मूंगा पहनने से। तो क्या है पोजीशन सर? अनुपम जी बताइए। है सर फोर्थ, एक्चुअली लग्न से फोर्थ प्लेस में मूंगा है, माने राशि कौन सी राशि में है? चंद्र राशि में, कर्कट में सर। कर्क राशि में है। हाँ। और कितने डिग्री का है? डिग्री सर थोड़ा
टेन प्लस उसको सर आप देखेंगे कृष्णमूर्ति पद्धति, आपका कोई बड़ा भाई है छोटा भाई है? नहीं सर। तो आपकी संतान में पुत्र संतान पहले है? है पहले है। हाँ तो सर वो आप फोर्थ हाउस में देख रहे हो ना कृष्णमूर्ति पद्धति के हिसाब से आप देखोगे तो फिफ्थ हाउस में आपको नजर आएगा। ओके आप कृष्णमूर्ति पद्धति को खोल करके चेक करिए, जो प्लेनेट है आपका वो फिफ्थ हाउस में होगा। फिफ्थ हाउस में। ओके। और आपने अपना मकान बनाया है? नहीं सर अभी तक नहीं। तो सर बनेगा मकान आपका, अगर आपकी पुत्र पुत्र की जगह पुत्री होती तो इसका मतलब ये होता कि फिफ्थ हाउस में मंगल नहीं है आपका। ओके। और कर्क लगन है तो आपके कर्क राशि में बता रहे ना कि आप चार नंबर की राशि है आपकी। हाँ तो पांच नंबर का हो गया सिंह। हाँ सिंह में। हाँ तो सिंह में क्या हो गया, दोनों तरफ से आपको पुत्र संतान मिल रही है। और मंगल के साथ और कोई भी है आपके पास प्लेनेट? नहीं सर। हाँ तो सर सिंगल अगर है तो आप अगर अपना कृष्णमूर्ति पद्धति के हिसाब से देखेंगे तो उसकी जो पावर है मंगल की पावर फिफ्थ हाउस में दिखाई देगी आपको, फोर्थ हाउस में नहीं है। ओके जी। किसी और को अपनी कुंडली के बारे में पूरा ज्ञान हो और डिग्री का भी बताओ। सर कोई इंसान अगर हमारे सामने है तो हम उसके सामने ये चीज करेंगे? मैडम बिल्कुल आप उसको सामने बैठा दीजिए, कल जैसे मैंने आपको दिखाया था। फिर आपको ये वायर वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट उसको स्कैन कर सकते हैं। जी 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 ठीक है समझ आ गई सर। दिनेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं क्या? सर मुझे अपनी कुंडली के बारे में पूरी जानकारी है, अगर आप चाहें तो मैं आपको रिलेटिव क्वेश्चन और डिग्री बता दूं। बिल्कुल सर देखिए आप अगर पूरी जानकारी रखते हैं तो हमारे को रिजल्ट लेने में बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है सर पांडे जी का ही ले लीजिए, मैं भी दरअसल वही कहने वाला था आपसे कि दिनेश जी ने बोला ना मेरा ज्ञान है अभी सर, वो पांडे जी ने कहा। अच्छा, वैसे मैं भी यही सवाल मतलब यही आपसे कहने वाला था, लेकिन कोई बात नहीं सर आप पांडे जी का ले लीजिए, बस सीखना ही है। सर पांडे जी आपको पूरा ज्ञान है ना? जी सर। सर ये ऑडियो पीछे से बंद करा दो ना। पांडे जी क्या चेक करना है आपका? मैं आपने कुंडली के बारे में पूछा तो मुझे अपनी कुंडली पूरी याद है विद डिग्री। सर आपको कोई प्लेनेट आपको ऐसा लगता है कि आपको? हाँ सर मंगल के बारे में पूछना है सर। मैंने मंगल का सैंपल लगाया है और यहाँ 70% आपको सपोर्ट कर रहा है मंगल जी सर। और हम मंगल का जो मूंगा है वो आपकी फोटो के साथ एंगेज कर रहे हैं जी, तब पता चलेगा कि आपको फायदा मिलेगा मूंगा पहन के या नहीं। देखिए 70 से लगभग 90 हो गया जी सर, तो इसका मतलब ये है कि मूंगा पहनने से आपको फायदा होगा। अब पोजीशन बताइए सर क्या है मूंगे की? सर मेरा कर्क लग्न है और वृष राशि में मंगल बैठा हुआ है 17 डिग्री का, लेकिन चूंकि शुक्र और सूर्य के साथ है तो अस्त है मेरा मंगल। सर शुक्र और सूर्य के, शुक्र से तो अस्त नहीं होगा, सूर्य से ही अस्त होगा वो तो। सूर्य से ही अस्त है, मैंने तीनों एक ही साथ बैठे हुए। हाँ उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप एक चीज का और ध्यान रखिए कि जो सूर्य और मंगल है दोनों आपस में मित्र है। जी जी। कर्क लग्न की अभी वो है तो आपका 11वें भाव में हुआ एक तरीके से। जी सर वृष राशि में। वृष राशि में अगर है तो सर वृष राशि का भी मतलब ये है कि शुक्र जो है अपने अपने घर में खुद बैठा हुआ है। पर सर कंबस्ट है, अस्त है। सर अस्त, देखिए शुक्र को मैं चेक नहीं कर रहा हूँ, मैं आपसे एक प्लेनेटरी पोजीशन की बात कर रहा हूँ। जी सर मैं आपको देखिए मंगल सपोर्ट इस कारण कर रहा है कि वो आपके आय भाव में बैठा हुआ है, आय भाव में मित्र के साथ बैठा हुआ है, और जो शुक्र है वो उसका दुश्मन नहीं है, अस्त जरूर है। वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि वो सूर्य की रश्मियों में उसकी रश्मियां गुम हो गई हैं, वो 15 डिग्री या 17 डिग्री से नीचे ही होगा दोनों में। जी, 17 डिग्री का। तो आपको मंगल की एक पावर को बढ़ा करके बेनिफिट ही मिलेगा। सर शुक्र चेक हो सकता है कि शुक्र?
पहले तो आप ये बताइए सर कि इस मंगल के रिजल्ट से आप सेटिस्फाई है या नहीं। हाँ 100% सर, 100% नो डाउट। अब यहां पर 50% आपको शुक्र सपोर्ट कर रहा है। अगर आप हीरा पहनेंगे, व्हाइट गोल्ड पहनेंगे तो क्या होगा? मैंने आपकी फोटो के साथ सैंपल को एंगेज कर दिया। अब यहां पर देखिए आपको हीरे की शुक्र की पावर बढ़ा करके नुकसान होगा जी सर, क्योंकि वो कंबस्ट, जैसे आप बता रहे हो कि वो कंबस्ट भी है इस टाइम जी, तो है अपने घर में, लेकिन उसकी पावर जितनी आपको मिल रही है उतनी ठीक है। भाभी जी की तबीयत ज्यादा खराब रहती है क्या? नहीं, थोड़ा थोड़ा मेरा वैवाहिक जीवन बेहतर नहीं है तो सर, वो उसी कारण तो है। और अगर आप शुक्र की पावर को बढ़ाओगे तो और बेहतर, मतलब और बेकार हो जाएगा। जी सर, जी सर, मैंने कभी टेस्ट के तौर पे ओपल पहनने की कोशिश की है तो थोड़ी उथल पथल और मच गई, कुछ बेहतर नहीं हुआ ओपल पहन के। हाँ तो सर देखिए, मशीन भी आपको यही कह रही है कि आप शुक्र की पावर को लोगे तो आपको नुकसान होगा। शुक्र आपको 50% वैसे सपोर्ट कर रहा है जी सर, बट उसकी स्टोन की जरूरत नहीं है। स्टोन की जरूरत नहीं है, अगर आप स्टोन पहनोगे तो माइनस में जाएगा। सर क्या राहु चेक हो सकता है? सर प्लीज, अब इतना तो हो गया। नहीं नहीं सर, आगे चलते हैं। नहीं नहीं, इस नाते पूछ रहा हूँ क्योंकि मैंने अभी तक आपको दोनों सपोर्टिव अपने जो मेरे प्लेनेट हैं, राहु कर्क लगन में निगेटिव है। मैं सिर्फ सबके जानकार, आप किसी का भी राहु चेक कर सकते हैं, जरूरी नहीं मेरा ही करें, क्योंकि मेरी तो अगर याद है तो सर आप ही का राहु चेक करते ना। हाँ सर, इसी नाते मैंने सर किया, मेरा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं है। सर राहु सिर्फ 25% ही सपोर्ट कर रहा है आपको जी सर। और अगर आप राहु का गोमेद पहन लेंगे तो क्या होगा? यहाँ राहु आपको सपोर्ट करना बंद कर देगा, आपका लगन में है एक तरीके से। मेरे मीन का है सर, मीन राशि में शनि राहु एक ही साथ हैं। सर मीन राशि कौन से घर में है आपके? 9th हाउस में सर। हाँ तो सर 9th हाउस में राहु तो वैसे ही आपको सपोर्ट नहीं करेगा, और यहाँ पर केतु अगर होता तो आपको सपोर्ट करता। राहु तो यहाँ पर नीच का है, 3rd हाउस में अगर राहु होता तो ज्यादा अच्छा था। आपका केतु भी खराब है, आपका राहु भी खराब है जी सर। तो ये इस तरीके से आपको बेनिफिट दे सकती है, आप बिना किसी जन्म पत्री के सामने वाले को बता सकते हैं। कल मैंने आप लोगों को बताया था कि आप इस मशीन को अगर चला रहे हैं तो वो एक्यूरेसी है या नहीं है, उसके लिए फार्मूला मैं दोबारा बताता हूं आपको। वो फार्मूला ये है कि अगर आपने किसी का बृहस्पति चेक करा है और उसका रिजल्ट 80% आया है तो जो उसका येलो कलर है वो भी 80% सपोर्ट करेगा, और जो उसका स्टोन है जुपिटर सॉरी आपका पुखराज येलो शफायर वो भी 80% सपोर्ट करेगा। तीनों का रिजल्ट आपका सेम आएगा, ऊपर नीचे नहीं आएगा, तीनों का रिजल्ट एक ही होगा। अगर ये आपका रिजल्ट कैलकुलेशन में ठीक आता है तब आप सामने वाले के सामने, मतलब अपने जातक के सामने आप कुछ भी आप उसको बता सकते हैं। किसी भी जातक को आप अपने सामने बैठाने से पहले मशीन को आप इस तरीके से चेक कर सकते हैं कि आपसे मशीन प्रॉपर चल भी रही है या नहीं। सिर्फ एक इसको हैंडलिंग का एक सिस्टम है जो मैंने आपको बताया कि 85 डिग्री में रखना है, और दोनों के दोनों जो इंस्ट्रूमेंट हैं हमारे मिले हुए होने चाहिए, और जैसे ही आप कोई सैंपल डालेंगे 85 डिग्री पे आप इसको रखेंगे रिजल्ट आपको मिल जाएगा। एक हमने वीडियो भी आप लोगों के साथ शेयर करी थी जिसमें आपको स्टार्टिंग में किस तरीके से इसको यूज करना है, उसमें चाय की पत्ती, चीनी, नमक, हल्दी वगैरह कोई भी आप ले सकते हैं, और बच्चे को बोल सकते हैं कि भैया इसको किसी कमरे में छुपा दे, और उसी आइटम का आपने सैंपल बना करके इस स्कैनर में आगे लगाना है। तो ये स्कैनर जो आपको लेफ्ट राइट करता हुआ वहां तक लेकर जाएगा, और जहां पर भी वो बाउल वगैरह रखा होगा, कटोरी रखी होगी, वहां पर जाकर ये खुल जाएगा। यहां तक सर किसी का डाउट है तो वो आप क्लियर कर सकते हैं। सर जैसे कोई क्लाइंट आता है वो कहता है कि हमारे पे कुछ किया कराया है और वो नाम भी बता रहा है, तो उसके लिए हम कैसे चेक करें कि उस पर्सन ने किया है या नहीं? मैडम शायद कल आप क्लास में थे नहीं, बंधन तो मैं थी सर, मैं थी। वो नेगेटिव पॉजिटिव देखना है, मतलब दोनों में से कौन सा? नेगेटिव पॉजिटिव के बाद यूवी माइनस के बाद बंधन दोष, तो बंधन दोष का हमारा सिंपल है वो ब्लैक मैजिक का ही है।
ओके सर, तो उस व्यक्ति की पिक के ऊपर ये रख के उनसे पूछना है कि क्या इसने कराया। अगर आपके पास देखिए यहाँ पर जो एंगेजमेंट होती है ना वो सामने वाले की ओरा से। अब जैसे आप मेरे बारे में पता करना चाहते हैं तो मैं अगर आपके पास आया हूँ तो आप मेरे बारे में पता कर सकते हैं, मेरे बेटे के बारे में पता कर सकते हैं, मेरे ऊपर किसी ने कुछ कर रखा है उसके बारे में पता कर सकते हैं। जी जी जी। जैसे मेरे ऊपर किसी ने कोई ब्लैक मैजिक कर दिया हो तो हम उसका नाम लेकर के कंफर्म कर सकते हैं कि भैया ये ब्लैक मैजिक इस पर्सन ने करा है, तो वो मेरी ऑरा के साथ एंगेज है ब्लैक मैजिक के बीच में। ओके ओके ओके। तो वहां पर आपको वाइब्रेशन मिल जाएंगी नाम लेने से और आप कंफर्म कर देंगे कि इस पर्सन के पास इस पर्सन ने कुछ करा भी है या नहीं। अगर खुल लिया तो इसका मतलब करा है, और अगर नहीं खुला तो नहीं करा है। उसमें हमें इंस्ट्रक्शंस देनी है उनको, है ना, कि उसका नाम लेके इंस्ट्रक्ट करना है। ठीक 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 जी। और किसी का कोई सवाल यहाँ तक स्टोन्स तक? हेलो जी सर। मैं बोला कि जो स्टोन चॉइस करने के लिए जो स्टोन का सैंपल है जो मंगा कि जो रूबी जो सैंपल है सर, स्टोन का सैंपल अगर आपके पास है तो वो भी आप चेक कर सकते हैं। अब इसमें थोड़ा सा मैं और आपको बता दूं कि सैंपल लगाकर चेक करेंगे तो सर सैंपल से भी आप चेक कर सकते हैं, प्लेनेट से भी आप चेक कर सकते हैं, उसके कलर से भी आप चेक कर सकते हैं, तीनों से एक ही रिजल्ट आएगा। अब आपके पास आप मान के चलिए कि आपने किसी को बृहस्पत के लिए बोला कि बृहस्पत पहनने से आपको बृहस्पत का जो येलो सफायर है उसको पहनने से आपको फायदा होगा, और येलो सफायर जो है आपके पास वो तीन तरीके के लेकर आता है, जिसमें एक 10,000 का है, दूसरा 20,000 का है, तीसरा 50,000 रुपए का है। इसको आप कैटेगरी वाइज कर दीजिए, ए ग्रेड, बी ग्रेड और सी ग्रेड। तो आपने जब स्कैन करा तब जुपिटर को स्कैन करा, जुपिटर से उसकी पावर 50% निकली, तो ए ग्रेड वाला आपने जो सैंपल लेकर के आया वो बंदा आपने उसके हाथ में पकड़ा दिया, और ये स्कैनर जो है वो 50% से लेकर के चला गया 70% पे। तो इसका मतलब ये हो गया कि ए ग्रेड वाला सिर्फ 20% उसको सपोर्ट कर रहा है। फिर आपने बी ग्रेड वाला उठाया और बी ग्रेड वाले से जो एनर्जी है वो पहुंच गई 90%। तो 90% पहुंच गई तो इसका मतलब ये हो गया कि 40% एनर्जी जो है वो बी ग्रेड वाले से पहुंची उसके पास, तो बी ग्रेड वाला उसके लिए अच्छा है। और सी ग्रेड वाले को आपने चेक करा तो सी ग्रेड वाला जो है उसको 50% से ले गया नीचे 45% पे, तो इसका मतलब वो है कि उसके लिए यूजफुल नहीं है। तो बी ग्रेड वाला जो है वो उसके लिए यूजफुल रहेगा, और आप उसको बी ग्रेड वाला पहनने के लिए बोल सकते हैं कि आप पहन लीजिए। यहाँ क्लियर है सर पोजिशन? स्टोन भी अगर आपके पास तीन तरीके के लाता है तो वो भी आप चेक कर सकते हैं। और कोई आपके पास आया है और उसने बहुत सारी चीजें पहन रखी हैं, जैसे चंद्रमा की अंगूठी भी पहन रखी है, नीलम भी पहन रखा है, और माणिक भी पहन रखा है, या मूंगा भी पहन रखा है, तो चार पांच चीजें पहन करके आया और आपने उसकी पहले पॉजिटिव एनर्जी चेक करी, फिर आप उन चारों चीजों को उतरवा लीजिए उससे, फिर आप एक एक करके उसको चीज पकड़ाए, जैसे माणिक की अंगूठी आपने बोला कि उठा लो, फिर आपने देखा कि वो 50 से 70 हो गई, तो इसका मतलब ये है कि माणिक उसको सपोर्ट कर रहा है। फिर आपने मूंगा उसको दिया पकड़ने के लिए तो 70 से हो गया 90, तो इसका मतलब ये है कि वो दोनों उसको पॉजिटिव एनर्जी दे रहे हैं। और आपने फिर दिया मोती, और मोती से ही उसकी हो गई एनर्जी 40%, तो इसका मतलब ये है कि जो मोती है वो उस आदमी को सूट नहीं कर रहा है, वो अपनी एनर्जी को पहले ही लॉस में लेकर के आपके पास आया है। हेलो, क्लियर है सर पोजीशन? हेलो जी जी जी। मैंने बोला जो उनको मूंगा पकड़ने के देकर मशीन चेक करेंगे। बिल्कुल सर। और जो क्या है जो ये मूंगा का लगाएंगे सैंपल ना जो मंगल का लगाए कुछ का लगाए सर, जो आप चीज चेक करें उसका सैंपल लगाएंगे ना, जैसे आप उसका सामने वाले का मंगल चेक कर रहे हैं तो मंगल के आप सैंपल लगाएंगे, और अगर उसने तीन चीजें पहन रखी है तो वो पॉजिटिव एनर्जी का सैंपल लगाएंगे कि तीनों चीजों के पॉजिटिव पहनने से उसको पॉजिटिव एनर्जी उसकी बढ़ रही है या कम हो रही है, या वीक हो रही है। मूंगा के लिए मूंगा सैंपल लगाएंगे, मूंगा सैंपल लगाएंगे, मार्स का सैंपल लगा सकते हैं, मंगल का सैंपल लगा सकते हैं, लाल रंग का सैंपल लगा सकते हैं।
तीनों में से आप कोई भी सैंपल यूज कर सकते हैं। एनर्जी के लिए एनर्जी सैंपल लगाएंगे। बिल्कुल दादा, जो एनर्जी आपको चाहिए उसके लिए वही एनर्जी आप यूज करेंगे ना। अब जैसे किसी का आपने बुध चेक करना है तो बुध के लिए आप उसका मरकरी का जो हमारा सैंपल है वो लगा सकते हो, ग्रीन कलर का सैंपल लगा सकते हो, या आप पन्ना का सैंपल लगा सकते हो, तीनों का रिजल्ट एक ही आएगा। ठीक है ठीक है। यहाँ पर एक टेस्टिंग मैं आप लोगों के सामने और डेमो देना चाहूंगा। किसी ने दो या तीन स्टोन पहन रखे होंगे, सिर्फ कोई भी एक पर्सन अपना हाथ उठा दे जिन्होंने दो या तीन स्टोन पहन रखे हो। सर मैंने दो पहने हैं। मैडम आप अपने वीडियो खोलिए। जी सर, दो पहने स्टोन मैं पहन रहा हूँ सर। मैंने दो पहने हुए हैं। दादा ओपल। मैडम ने बोल दिया और मैडम का ही चेक करते हैं। क्या क्या पहन रखा मैडम आपने? सर ओपल पहना हुआ है, एमराल्ड पहना हुआ है। एमराल्ड किसके लिए पहना आपने? राइट हैंड साइड पे पहना हुआ है, काम के लिए, बिजनेस के लिए अपने। और ओपल मेरा लग्नेश है, शुक्र लग्नेश है। तो हम आपकी पॉजिटिव एनर्जी चेक करते हैं और पॉजिटिव एनर्जी पता चल जाएगा हमारे को कि दोनों में से आपको कौन सा सपोर्ट कर रहा है कौन सा नहीं। आप उतार सकते हैं ना उसको दोनों में को? जी जी। अभी एक मिनट रुकिए आप, पहले मैं पॉजिटिव एनर्जी चेक कर रहा हूँ आपकी। अब यहाँ देखिए 50% पॉजिटिव एनर्जी है आपकी। अब आप ओपल को उतार दीजिए। अब ओपल को उतार के आपकी जो एनर्जी है प्लस हो गई है। अब आप एमराल्ड उतार दीजिए, पन्ना उतार दीजिए। अब यहां माइनस हो गई। तो इसका मतलब यह है कि आपको पन्ना तो सूट कर रहा है, ओपल सूट नहीं कर रहा है। आप पन्ना पहनिए दोबारा से। फिर देखिए 70% हो गई। तो इसका मतलब ये है कि या तो आपकी जो दशा है वहां पर कहीं ना कहीं बृहस्पति टकरा रहा है। बृहस्पति और शुक्र जो है आपस में एक दूसरे के शत्रु हैं, तो कहीं ना कहीं आपको कंट्रोवर्सी मिल रही है उस चीज की। तो सर अभी ये उतार देना चाहिए ऊपर। आपको इस टाइम उतार देना चाहिए, वो आपकी एनर्जी को बढ़ाएगा ही। जी इस तरीके से आप किसी को भी चेक कर सकते हैं कि किससे आपकी उस सामने वाले की पावर बढ़ रही है, किससे सामने वाले की पावर कम हो रही है। जी सर एक वो दूरी भी बताइए कि दोनों में कितनी दूरी होनी चाहिए, हमारे में और जिसका हम चेक कर रहे हैं उसमें। मैडम 2 फिट, 3 फिट, 5 फिट। और अगर आप किसी को फोटो को स्कैन कर रहे हैं तो फोटो के लिए, तो जैसे मैं अब बैठा हुआ हूँ, फोटो आपकी यहाँ पर रखी हुई है टेबल पे, मैं अगर ऐसे भी स्कैन करूंगा तब भी आपको वही रिजल्ट मिलेगा, ऐसे स्कैन करूंगा तो भी वही रिजल्ट मिलेगा। जी 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 ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सर? तो हम आगे चलें। हेलो। जी जी मैडम बोलिए। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर हाँ, अगर सामने वाले को हमको स्टोन देना है तो वो स्टोन हमको टेबल पे रख के उसका चेक कर रहे हैं क्या? मतलब कि कोई भी, मतलब पन्ना हो या ओपल हो या पुष्कराज हो, क्या कुछ ऐसा नीचे कुछ बिछा के ये करना है, मतलब अगर उसको ये करना है तो, चेक करना है तो? नहीं नहीं मैडम देखिए, अगर आपके पास जातक सामने आया है तो आप उसके हाथ में पकड़ा दीजिए ना, उससे पावर अगर उसकी बढ़ रही है। मान लीजिए कि हम लोग के सामने जातक नहीं है, लेकिन हमने उसको होरोस्कोप देख के हमको सजेस्ट करना है उसको कि क्या उसको पहनना है, मतलब ये ऑरा वगैरह चेक करने के। होरोस्कोप से देखिए, अगर आप होरोस्कोप को चेक करेंगे तो वो जो होरोस्कोप की एनर्जी है वो चाहे गलत है या सही है, ये मशीन आपको उसी के बारे में बताएगी। और अगर आप उस व्यक्ति की फोटो को मंगा लेंगे तो सामने वाले की जो ऑरा है, जो इस इंस्ट्रूमेंट का काम है, वो चेक हो जाएगा। दोनों चीजें अलग अलग है। ओके सर ओके। लेकिन फिर वो जो स्टोन है तो फिर उसके फोटो पे ऊपर रखना है क्या फिर? फोटो के ऊपर रखना है मैडम। ओके ओके, थैंक यू सर।
जैसे मैंने अभी आपको सैंपल रखकर दिखाया ना, आप सामने वाले की फोटो के ऊपर रखकर दिखाया। यस सर। सर इसके बाद देखिए, आप जो कोई भी स्टोन है उसकी प्योरिटी को भी चेक कर सकते हैं, वो कितना परसेंट प्योर है। देखिए ऑरा के साथ मैच होना एक अलग चीज है, और उस स्टोन की अपनी प्योरिटी कितनी है वो एक अलग चीज है। अब जैसे मेरे दो बेटे हैं, तो एक को मैंने, बड़े वाले को मैंने 250 रुपये का एक पन्ना पहना रखा है, और छोटे वाले को 7,500 या 8,000 रुपये का पन्ना पहना रखा है, क्योंकि सामने वाले की ऑरा जिसके साथ मैच हो जाए वो उसको पहनाना है। और बड़े वाले को गोल्ड में पहना रखा है, छोटे वाले को पीतल में पहना रखा है, क्योंकि अभी वो कॉलेज में पढ़ रहा है। तो आपको ये चीज देखनी होगी कि कौन सी स्टोन से, मतलब ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड या डी ग्रेड, ई ग्रेड, जो भी है, वो सामने वाले की ऑरा के साथ अगर मैच कर रहा है तो वो स्टोन उसके लिए जिंदगी भर काम करेगा और बढ़िया काम करेगा। यस सर जी, इस चीज को आप हमारे इंस्ट्रूमेंट से क्लियर कर सकते हैं। और प्लस आपको अगर किसी स्टोन की प्योरिटी को चेक करना है, तो ये जो इंस्ट्रूमेंट है, इन दोनों को आपने एक दूसरे के ऊपर रखा। अब मान के चलिए आगे, आपको पन्ना चेक करना है कि पन्ना कितना परसेंट प्योर है। तो पन्ना का आप सैंपल लगाएंगे, और पन्ना जो है वो इस दोनों, ये जो मैं मास केबल वगैरह दिए आप देते हैं हम आपको, उसके ऊपर आप यहाँ रखेंगे जी, तो ये मशीन आपको उसकी प्योरिटी के बारे में बता देगी कि ये मशीन कितना, ये पन्ना जो है कितना परसेंट प्योर है। अगर 40% खुला है तो 40% ठीक है, 80% खुला तो वो 80% ठीक है, और 100 खुल गया तो वो 100% ठीक है। ओके, थैंक यू सर। इसके साथ हम जो अगला चैप्टर है उसमें 1 से लेकर 14 की रुद्राक्ष के बारे में बात करते हैं। तो 1 से लेकर 14 मुखी रुद्राक्ष जो है वो आप चेक कर सकते हैं कि किसके लिए कितना मुखी रुद्राक्ष सुटेबल है। काफी सारे एस्ट्रोलॉजर्स ऐसे हैं जिनको पूरी नॉलेज है कि कौन सा रुद्राक्ष किसको देना है, और कुछ ऐसे हैं जिनको ये नहीं पता होता कि कौन सा रुद्राक्ष किसको देना है। अब जैसे मेरा, हमारे परिवार में ही अगर मैं बात करूं, तो मेरे बड़े भाई को किसी ने एक मुखी रुद्राक्ष दे दिया, तो उसकी जो एनर्जी है वो एनहांस हो गई अग्रेसिव नेचर की तरह। वो इतना अग्रेसिव हो गया, अगर किसी को थप्पड़ मार देता था तो वो जमीन पे गिर जाता था, और हर रोज किसी न किसी को वो पीट के आता था। और जब हमने चेक करा मशीन से, तो पता चला कि वो जो एक मुखी रुद्राक्ष उसने पहन रखा है वो गलत पहन रखा है। उसका एक मुखी रुद्राक्ष उतरवाया, तो अगले दिन से ही उसको फर्क महसूस हुआ कि हाँ, ये जो है मेरा अग्रेसिव नेचर है वो काफी कम हो गया है। अब सामने वाला मेरे को कुछ बात बोलता है तो मैं उसको सुन लेता हूँ। तो ये कौन से व्यक्ति के साथ कौन सा रुद्राक्ष किस ऑरा के साथ मैच करेगा, ये आप चेक कर सकते हैं। तो 1 से लेकर 14 मुखी रुद्राक्ष के हमने आपको सैंपल दिए हैं इसमें, वो आप आराम से चेक कर सकते हैं इसमें। और इसके अलावा अगर आप देखिए, 6 मुखी और 7 मुखी तक तो जो होता है एक नॉर्मल रेट होता है रुद्राक्ष का, और रुद्राक्ष के बाद अगर आपको मतलब रुद्राक्ष में ही अगर आप 8 मुखी 9 मुखी 10 मुखी से लेकर 14 मुखी तक जाएंगे, तो जो वेरिएशन है वो यहाँ हजारों में पहुंच जाता है। तो अगर आप किसी कस्टमर के लिए 11 मुखी रुद्राक्ष परचेज कर रहे हैं, तो ये स्कैनर आपको बता देगा कि वो रुद्राक्ष 11 मुखी है भी या नहीं। उसके लिए सब मतलब बहुत सिंपल सा है, आपने 11 मुखी रुद्राक्ष को चेक करना है, तो 11 मुखी रुद्राक्ष को आपने इस तरीके से एक दूसरे के ऊपर रखना है, और 11 मुखी रुद्राक्ष का आपने सैंपल डालना है मशीन के अंदर। तो जैसे ही आप चेक करेंगे, तो अगर 11 मुखी रुद्राक्ष होगा तो 11 मुखी रुद्राक्ष में ये स्कैनर पूरा खुल जाएगा। बट यहाँ पर फ्रॉड कहाँ होता है कि 8 मुखी या 9 मुखी को 2 लाइनें और खींच देते हैं, तो 2 लाइनें खींचने से उसकी कॉस्टिंग में 3-4 हजार रुपये का फर्क पड़ गया, और सामने वाला आपसे फ्रॉड करता है। तो ये स्कैनर जो है, अगर आप 11 मुखी चेक कर रहे हैं और 11 मुखी रुद्राक्ष नहीं है तो नहीं खुलेगा। फिर आप 10 मुखी देख सकते हैं या 9 मुखी देख सकते हैं कि भैया ये 9 मुखी। तो इस तरीके से बहुत ईजी वे में आप सामने वाले को बता सकते हैं कि कितना मुखी रुद्राक्ष उन्होंने परचेज करा है और कितना मुखी रुद्राक्ष उनको मिला है। क्लियर है जी? आप सामने वाले की ऑरा से भी इसको एंगेज कर सकते हैं, रुद्राक्ष को। आप सामने वाले के
जो रुद्राक्ष की क्वालिटी है उसको भी चेक कर सकते हैं कि वो प्योर है भी या नहीं, या जितने मुखी रुद्राक्ष उसने पेमेंट करी है उतना मुखी रुद्राक्ष उसको मिला है या नहीं। कहीं लैब जाने की जरूरत नहीं है, कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं है, ऑरा से ही आप उस चीज को चेक करके कंफर्म कर सकते हैं। क्लियर है जी? किसी और का कोई सवाल हो तो कर सकते हैं। आगे चले मैडम, आगे बढ़े जी। इसके बाद हम बात करते हैं जी न्यूमरोलॉजी। न्यूमरोलॉजी में हमारा मूलांक होता है, जैसे मेरा जो डेट ऑफ बर्थ है वो 23 है, तो 23 का मतलब हो गया 2 और 3 5, तो ऐसे आप सभी का मूलांक है। और आप लोगों ने कई बार नोटिस करा होगा, कोई आपका ऑफिस में कुलीग है या कोई आपका सर्वेंट है, अगर 2 सर्वेंट आपके यहाँ काम करते हैं तो एक से आपकी बनती है, दूसरे से नहीं बनती है, दूसरा आपको इग्नोर करता है बार बार, या एक आपकी पूरी पूरी बात सुन करके आपके आगे पीछे घूमता है, काम करता है, तो ये सारी सारी हमारी ऑरा जो होती है मूलांक की उसके ऊपर काम करता है। जैसे अगर हम बात करें तो 1 नंबर राजा है, 2 नंबर रानी है, 3 नंबर गुरु है बृहस्पति, 4 नंबर राहु है पुलिस, 5 नंबर है राजकुमार, 6 नंबर है शुक्र, 7 नंबर है हमारा केतु, 8 नंबर है हमारा सैटर्न, और 9 नंबर है हमारा मंगल। तो ये हमारे प्लेनेट हैं। अब जैसे 5 नंबर का मालिक है बुध, बुध का मतलब हो गया राजकुमार, और राजकुमार का को राजा सबसे ज्यादा प्रिय है, तो मेरा 1 नंबर वालों के साथ अच्छा बिजनेस चलता है। रानी के लिए वो प्रिय है तो मेरा 2 नंबर वालों के साथ बिजनेस अच्छा चलता है। 3 नंबर गुरु, मेरा उनके साथ भी व्यापार अच्छा चलता है। 4 नंबर राहु, पुलिस से मेरा कोई संबंध नहीं है तो मेरे को 4 नंबर वाले से कोई एलर्जी नहीं है। 5 नंबर वालों के साथ, 5 नंबर राजकुमार तो राजकुमार ही है, अगर उसका छोटा भाई है तो दोनों बचपन में ही है, अभी बड़े हो जाएंगे तब वो राजा बन जाएंगे, 2 एक-एक हो जाएंगे, तो यहाँ पर 5 नंबर वालों के साथ 5 नंबर वालों की कोई दिक्कत नहीं है। 6 नंबर शुक्राचार्य जो हो गया बुरा गुरु, बुरा गुरु के पास मेरे को जाना नहीं है, राजकुमार को जाना नहीं है और उसको उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। 7 नंबर केतु, केतु का तो सिर ही नहीं होता, तो वो तो जिसको भी मतलब 7 नंबर वाला, 7 नंबर वाले को कोई भी कुछ कह देगा कि भैया आज दिन है या रात है, आज शुक्रवार है, तो वो कहेगा ठीक है जी शुक्रवार है। अगर कोई उसको कह देगा कि भैया आज तो 15 तारीख है, तो वो कहेगा हाँ जी 15 तारीख है, तो उसका क्योंकि अपना तो दिमाग है ही नहीं। और 8 नंबर सैटर्न, सैटर्न के पास राजकुमार जाएगा नहीं, क्योंकि सैटर्न जो है वो न्यायप्रिय है और राजकुमार कोई ऐसा जुर्म करेगा नहीं कि जिसके कारण उसको जज के पास जाना पड़े। और 8 नंबर वाले के लिए 9 नंबर वो भी न्यूट्रल है, वो उसका कारण ये है कि मेरा अगर पड़ोसी राज्य के राजकुमार से झगड़ा हो गया, एक राजकुमार का दूसरे राजकुमार से झगड़ा हो गया, दोनों एक ही जगह जाते हैं पढ़ने के लिए या एक ही जगह कहीं मिलते हैं, तो वहाँ झगड़ा हो गया और राजकुमार जो है अपने महल में आया और उसने ये बोल दिया मंगल को कि भैया जाओ और दूसरे देश पे आक्रमण करके उसको उसके ऊपर कब्जा कर लो, तो जो मंगल है वो कहेगा ठीक है अपने पिताजी से कहलवा दे, मैं अभी जा रहा हूँ। उसने उसकी बात को भी मान लिया और अपना रास्ता भी निकाल लिया कि भैया पहले अपने पिताजी से कहलवा दे तभी तो आक्रमण होगा। तो 5 नंबर की पोजिशन ये है। इसी तरीके से हर 1 नंबर की पोजीशन है। अब जैसे 1 नंबर राजा है, अब घर में अगर आपका खुद का 1 नंबर है और आपकी वाइफ का भी 1 नंबर है, तो दोनों राजा हैं, दोनों का नेचर है राजा की तरह। अब वो दोनों एक घर में रहेंगे तो इसका मतलब ये हो गया कि 2 राजा एक घर के अंदर आ गए और दोनों आपस में कंट्रोवर्सी रहेगी उनकी, तो 1 नंबर वालों की 1 नंबर वालों के साथ नहीं बनेगी। तो ये स्कैनर जो है आपको बहुत आसानी से बता देगा कि कितने नंबर वालों के साथ आपकी बनेगी और कितना परसेंट बनेगी। इसका कोई एक्सपेरिमेंट आप करना चाहते हैं तो मैं आप लोगों के सामने, आप अपना मूलांक बताइए और भाभी जी का मूलांक बताइए, तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि जो आपका नंबर है वो आपका नंबर, मान के चले कि 5 नंबर है, चाहे वो 14 तारीख से आया, चाहे 5 तारीख से आया या 23 तारीख से आया, और सामने वाले का नंबर 7 है, चाहे वो 7 तारीख से आया, चाहे वो 16 तारीख से आया, चाहे वो आपका 25 तारीख से आया, तो जो कैलकुलेशन है मूलांक की वो हमारी कैलकुलेशन मूलांक से मूलांक को चेक करने की होती है। 5 नंबर वाले के लिए 7 नंबर वाला कितना फ्रूटफुल रहेगा, तो वो ये मशीन आपको तुरंत बता देगी। अगर आपके पास दो बंदे कोई आते हैं
या एक सज्जन कोई आया है वो कहता है कि मुझे पार्टनरशिप करनी है इस बंदे के साथ और इसकी डेट ऑफ बर्थ ही है, तो डेट ऑफ बर्थ में से आपने मूलांक को उठाया और मूलांक को चेक करके सामने वाले को मूलांक का जो है नंबर वो लगाया इस स्कैनर में, और जो जातक आपके पास आया है उसको सामने खड़ा करा, और ये स्कैनर आपको बता देगा कि ये पर्सन जो है उसके लिए कितना परसेंट, मतलब जिसको हम चेक कर रहे हैं वो पर्सन इस पर्सन के लिए जिस जातक को हम चेक कर रहे हैं कितना परसेंट उसके लिए फ्रूटफुल है। आपके सामने अभी एक मिनट में क्लियर हो जाएगा। आप अपना कोई भी एक नंबर बता दीजिए जिनको नंबर याद हो अपना, और भाभी जी का नंबर। जी हरिओम। हाँ जी सर। सर मेरा 5 है और वाइफ का 7। अब 7 नंबर वाले को देखिए जी, अपना सिर नहीं होता अपना सत्यरंजन झा जी। जी जी जी। 7 नंबर वाले इनके लिए कितना परसेंट फ्रूटफुल रहेंगे? 5 नंबर वालों की फोटो को आप एंगेज कर रहे हैं, चाहे आप उनको चेक कर रहे हैं, और 7 नंबर जो इनकी वाइफ है वो इनके लिए कितना परसेंट फ्रूटफुल है? जी। यहाँ पर रिजल्ट खुलने पे आएगा हमारे को, जितना परसेंट ये मशीन खुल जाएगी जी उतना परसेंट वो उनके लिए फ्रूटफुल है। और आपने 1 और 7 लगाया है, दोनों सर 7 ही हैं जी, दोनों 7 है। अब यहाँ देखिए 80% रिजल्ट आ रहा है, इसका मतलब यह है कि 7 नंबर वालों की अपनी सोच है ही नहीं, तो 5 नंबर वाले ने जो बोल दिया वो उन्होंने मानना है। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं किसी के बारे में भी कुछ भी, सिर्फ मूलांक को लेकर। जी सर। क्लियर है जी यहाँ पर पोजीशन? यहाँ पर अब तक का कोई किसी का सवाल हो तो कर सकते हैं। नहीं ठीक है सर, मेरा तो। हाँ जी ठीक है सर जी। इसके बाद हम बात करेंगे 16 दिशाओं की, इसके बाद हम बात करेंगे हमारे जो वास्तु में आइटमे को हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं, कैसे हम किस चीज का फायदा ले सकते हैं। उसके लिए सिर्फ मैं आपसे 2 मिनट का एक ब्रेक लेना चाहूंगा, 2 मिनट बाद हम मिलते हैं और फिर स्टार्ट करेंगे क्लास को।